मेधावी राणा कह रही हैं, लाइफ में हमेशा खुशी ही क्यों नहीं रह सकती, दुख क्यों आता है, ताकि हम फील कर सकें कि दुख और खुशी दो अलग चीजें हैं, सेम, अगर खुशी की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर हर टाइम खुशी 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 ही रहेगी, है ना। हालांकि आप ढूंढना चाहें या चूज कर लें कि ठीक है कितनी भी समस्याएं हैं, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ पीस मुझे मेंटेन करना है, तो वो कुछ हद तक तो पॉसिबल है ही, तो हमें वैल्यू समझ आती है। और अगर ऐसे ऐसे नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, दुख है तो दुख, सुख है तो सुख, तो फिर मतलब वो डेड वाली फीलिंग आ जाएगी ना, फिर वो अगर जिंदा हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते रहने चाहिए ना, तो वो ज़रूरी है कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, और वैल्यू भी रहती है अगर हम किसी चीज़ को, बेसिकली 365 डेज की जो साइकिल है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब ये टाइम चेंज होता है, और एक अच्छा समय बुरा समय, फिर मेहनत आप कॉन्स्टेंटली करते रहें, किसी एस्पेक्ट में अच्छा होगा, मान लो काम अच्छा चल रहा है, हो सकता है फैमिली में किसी को दिक्कत हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, फिर हो सकता है वहां से आप खुश हैं या बिल्कुल मतलब चलो फॉर्चुनेट हैं कि वहां कुछ नहीं है, दूसरे एस्पेक्ट में कहीं दिक्कत हो जाए, तो कभी इमोशनली, कभी फिजिकली हेल्थ में कुछ इशू हो जाए, कभी इकोनॉमिकली, कोई ना कोई एक एस्पेक्ट गड़बड़ चलता रहता है, तो ये उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत होती है। और बहुत ज्यादा ये नहीं हम कह सकते कि यार मतलब मेरे साथ ही क्यों, सबके साथ कुछ ना कुछ तो है ही, फेयर तो नहीं है चीजें अगर हम बात करें कि हमारे हिसाब से हों, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक तो हम किस मिट्टी के बने हुए हैं उस चीज को चेक करने के लिए भी दुख की जरूरत होती है कई बार, कि आप कैसे बिहेव करेंगे उस सिचुएशन में जब बैंड बजेगी तो। और दूसरा, वैल्यू बनी रहती है चेंज की, सुख के बाद दुख आएगा तो दिन के बाद रात में मजा है ना, अगर सिर्फ रात रहेगी तो वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो वाला सीन है।